इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन भू माफियाओं के द्वारा किया गया एक रखवार की हत्या। जी हां, दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र वार्ड संख्या एक में जो मब्बी ओपी थाना अंतर्गत आता है, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की लाश मिली है। सूचना मिलते ही मब्बी थाना और विश्वविद्यालय थाना मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्लेवासी एवं परिजन के साथ साथ जमीन मालिक ने विरोध किया। तब घटनास्थल पर सदर डीएसपी कृष्णानंदन को बुलाया गया। कृष्णानंदन कुमार घटनास्थल पहुंचे और परिजन के साथ साथ जमीन मालिक से पोस्टमार्टम के लिए सब को भेजने की अपील की, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने। और चलिए जानते हैं कृष्णानंदन जी से क्या कुछ हुआ और सारी बात जानते हैं। पेंट्स एंड हार्डवेयर शॉप, हमारे यहाँ एशियन पेंट्स के सारे कलर वैरायटी अवेलेबल हैं। इसके अलावा व्हाइट सीमेंट, चूना, वॉल पुट्टी, ब्रश, फेविकॉल, काला तार और उजला तार, कांति, इससे संबंधित सारे सामान अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ सस्ता और अच्छा सामान उपलब्ध है। दिए गए नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें और हमारे सर्विस का भरपूर लाभ उठाएं। पता है किला घाट MA ट्रेडर्स के ठीक सामने। दादा से छरपोता बीत गए, हमारा सबके सास ससुर, मान सास के ससुर जितने तो सब बीत गए। कभी जमीन से नहीं दिखा छे कि दूसरा खा के कोई मालिक है, लेकिन जमीन से ओकरे छे घर से जमीन सास सब ओकरे छे, हमहूँ सब ओकरे छे। यूँ पर ओकरे छे बात बता के बेटा की नाम छे का नाम है तो जो ओकिन दा अरे की करे छे तुम करवा पर अखबारी पर छे जमीन अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस, यहाँ PPT के द्वारा डिजिटली पढ़ाया जाता है। यहाँ नीट और JEE के लिए प्रिपरेशन की अलग से सुविधा उपलब्ध है। सबके अलग अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं। MAS सर केमिस्ट्री, रियाज सर बायोलॉजी, रोहित सर फिजिक्स। पता डिग्गी वेस्ट, नियर शुक्ला हॉस्पिटल, दरभंगा। नगर का मौलागंज वार्ड नंबर 6 है। यहाँ पर सुबह सूचना पुलिस ने मिली कि व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। पुलिस आकर जांच की तो पता चला कि ये प्रदीप दुबे पूर्वे की जमीन का रखवाली करता था। IEC का रखवाली करते हुए सुबह इसका डेड बॉडी मिला। अपने परिजन लोग हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिजन के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आगे की। सर, मृतक का क्या नाम है? उपेंद्र दास। प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है कैसे इनकी हत्या हुई होगी? प्रथम दृष्टया तो हम लोग पोस्टमार्टम को प्राप्त करने के बाद ही बताएंगे कि क्या है काउज ऑफ डेथ क्या है इसका। परिवार का आरोप है कि भूमाफिया के दौरान क्या की? हाँ, सारे बिंदुओं पर, सारे एंगल पर जांच किया जा रहा है। सारे एंगल जो एंगल अनुसंधान के क्रम में आएंगे उस सारे बिंदुओं पर जांच। सर, आवेदन किसके तरफ से लिया जाएगा? और अभी तक आवेदन मृतक के परिजन को बोला गया है कि आप FIR का आवेदन दें और उनके देने के आधार पर ही बताया जा सकता है कि किस पर यह। सर, किस तरह मुआवजा मिलेगा मृतक? मृतक अनुसूचित जनजाति से हैं तो उसके प्रावधान के तहत जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो सारी मुआवजा इनको दे होगा। सर, यह पुलिस को आक्रोश भी झेलना पड़ा है जैसा देखा गया है, संबंध में क्या कहना? पुलिस तो नहीं है, बट ये लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं। लोगों को हम समझा बुझा रहे हैं कि कानून में मदद कीजिए, कानून प्रक्रिया में आप हमको मदद कीजिए, जो अनुसंधान में आएगा सारी कार्रवाई की जाएगी।